बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टिचिंग प्रोसेस में हैं। जो लास्ट टाइम हमने फ्रॉक काटी थी उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये मैं बाजू जोड़ रही हूँ। बाजुओं का पहले इस तरह दोनों साइडों से मिला के उसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। और ये कंधे हैं, कंधों को इस तरह इसकी मेजरमेंट चेक कर ली मैंने कि ये ठीक है बिल्कुल। और इसको इस तरह करके जोड़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फेयर साइड है प्रिंट की कपड़े की, वो और आपकी बॉडी की जो फेयर साइड है वो दोनों आमने सामने हो, तो फिर वो जो है ना बैक साइड से स्टिचिंग होगी। जी, ये मैं पहले बाजू जोड़ रही हूँ। दोनों बाजू जो है ना मैंने इस तरह जोड़ लेने हैं। और अब आप देखिएगा कि ये जो है ना इस तरह करके फाइनल शेप जो है ना बाजू दोनों जुड़ जाएंगे इस तरह करके। जो मैंने डबल लेयर की बात की थी उसका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा नीचे है। ये देखिए, मैंने दोनों बाजू जोड़ ली हैं बॉडी के साथ इस तरह करके। इनकी शेप वही बेल टाइप है जो कि हमारी फ्रॉक के नीचे से शेप होगी। अब मैं आपको नीचे फ्रॉक का हिस्सा जो है ना वो जोड़ना बताती हूँ। इसका भी इसी तरह हमने सेंट्रल पॉइंट निकाल लेना है निचले हिस्से का, फिर इस तरह बॉडी के साथ जोड़ना है। और इसकी भी फ्रंट साइड का ख्याल रखिएगा ताकि आप दोनों पीसेस को इकट्ठे रखने हैं आपने। जो नीचे लेयर है ना, छोटी लेयर और बड़ी लेयर, ये दोनों के सीधी रखनी है ऊपर नीचे, फिर इसके साथ बॉडी की जोड़ देनी है। वीडियो के एंड पे मैं आपको पेपर के ऊपर पैटर्न बना के सिखाती हूँ कि फोल्डिंग कैसे की है मैंने। ये देखिए, मैंने दोनों हिस्से जो है ना जोड़ लिए हैं। अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये फ्रंट साइड भी ऐसे जोड़ लिया। इसके भी इसी तरह दो पार्ट्स हैं, ये ऊपर और ये इसके नीचे, दोनों लेयर्स जुड़ गई हैं। बैक और फ्रंट दोनों जोड़ लिए। अच्छा, इसके जो मैंने साइडों वाले चाक है ना वो मैंने अभी खुले रखे हुए हैं। जैसे ये देखिएगा, दोनों साइडों पर भी खुला है। ये मैं अभी जोड़ के आपको दिखाती हूँ। इस तरह ये मैंने लाइन लगा दी है बाजुओं पे भी और ये नीचे घेरे पे भी। अब इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। ये देखिए, दोनों साइडों से बाजू जोड़ ली है मैंने और ये घेरा भी जुड़ गया है। हम इसको जो है ना नीचे से हम कोई पाइपिंग टाइप चीज़ भी लगा सकते हैं। और मैं क्रोशिया पीको जो है ना, मैं अपने लिए तो ये रिकमेंड करूँगी कि मैं क्रोशिया पीको करूँ। ये देखिए, ये मैंने क्रोशिया पीको करवाई है, साथ में इसके छोटे छोटे मोती लगवाए हैं और इसकी फाइनल शेप तैयार होगी भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, बाजुओं में भी डबल लेयर है और फॉल भी अच्छी आ रही है दोनों साइड पर और नीचे घेरे में भी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसको इंटरेस्टिंग है। मैंने मेरा इस पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी। ये पेपर लिया मैंने, एक साइड पे मैंने इसकी लाइनें लगा ली हैं ताकि ये आइडिया हो सके कि ये फेयर प्रिंट साइड है और दूसरी बैक साइड है। इस तरह करके मैंने इसको फोल्ड किया है इस तरह, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने मेजरमेंट लगाई है ऊपर, वही 6.5 इंच की जो है ना अंदर को हिस्सा करके गहरी रख के, फिर हिस्सा करके मैंने इसको कटना और यहाँ से लेकर नीचे तक जो है ना 14 इंच की यहाँ तक नीचे, और फिर इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मैंने 3 इंच छोटा करके काटना है इसको। मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे करके 6.5 इंच की मार्जिन रख के मैंने गोलाई में कटिंग करनी है। और अब ये जो है नीचे 14 इंच के फासले पर ये ऐसे करके मैंने ऐसे करके कटिंग कर ली है। उसके बाद इन पीसेस को मैंने कर लेना है अलग, ऊपर वाला नीचे वाला, ताकि डबल लेयर
तैयार हो सके। अब ये जो ऊपर वाला पीस है ये, इसको मैंने जो है ना 3 इंच का मज़ीद छोटा करके काटना है। ऐसे जी, अब ये फ्रॉक की डबल लेयर तैयार होगी, ये ऊपर छोटी वाली और इसके पीसेस इससे मैंने अलग कर लिए हैं। ये 2 पीसेस ऊपर छोटे बन जाएंगे और 2 पीसेस बड़े लेयर के बन जाएंगे। फिर मैंने इनको करना सीधा, ये देखिए 2 छोटे और 2 बड़े। इसके बाद मैंने फेयर प्रिंट साइड जो है ना इस तरह ऊपर रखनी है ऐसे, और इसी के ऊपर जो छोटे पीसेस थे इसकी भी फेयर प्रिंट साइड ऐसे जो है ना ये इसके ऊपर रख देनी है। ये जी एक ये हमारे सॉरी फ्रॉक का जो है ना अगला हिस्सा बन जाएगा घेरे का, और दूसरा जो है ना ये पिछला हिस्सा बन जाएगा। और फिर इसका बॉडी के साथ हमने इसको अटैच करके सिलाई कर लेनी है, एक छोटा और बड़ा और फिर अगले में भी और पीछे में भी ऐसे। थैंक यू, ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।